नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सागर सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से हरियाणा के तमाम पॉलिटिकल हलचल को समेट कर हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में सियासी लहजा किस तरीके का है और किस तरीके से सियासी गतिविधियां हो रही हैं, किस तरीके से बयानों का दौर चल पड़ा है। इन तमाम आधे घंटे तक सियासी गलियारे में हमारे साथ टहलिए और जानिए हरियाणा का सियासी मूड क्या कहता है। सियासी गलियारे में सबसे पहले आज आपको सबसे बड़ी खबर से हम रूबरू कराने वाले हैं। पॉलिटिकल जगत की, खासतौर पर हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है ये, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से शिकंजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसना शुरू कर दिया है, इससे कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और भूपेंद्र हुड्डा की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि सवाल अब ये उठने लग रहे हैं कि ऐसी पार्टी, ऐसे लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके दामन खुद दागदार हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। हालांकि इन आरोपों का दोष में साबित होना अभी बाकी है, लेकिन इन आरोपों के लगने के बाद अब सवाल उन पर भी उठने लग गए हैं। क्या पूरा मामला है आप बताते हैं आपको। हरियाणा में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन उनकी पार्टी के दिग्गज पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर मुश्किल में हैं, और उनकी मुश्किल का नाम है पंचकुला लैंड स्कैम। जी हां, पंचकुला लैंड स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ने भूपेंद्र हुड्डा समेत 22 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में चार पूर्व आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किया है। ईडी ने 22 आरोपियों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लांट अलॉटमेंट स्कैम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत शिकायत दर्ज की है। अब अगर बात करें कि चार्जशीट में आखिर है कौन कौन, तो सबसे पहला नाम पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का है। हुड्डा के अलावा 21 आरोपियों का नाम शामिल है। चार्जशीट में चार पूर्व आईएएस अधिकारियों का नाम शामिल है। हरपाल सिंह नागल, तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडा, सुरजीत सिंह, तत्कालीन प्रशासक हुडा का नाम, सुभाष चंद्र कंसल, हुडा के तत्कालीन मुख्य वित्त नियंत्रक, नरेंद्र सिंह सोलंकी, हुडा के फरीदाबाद के तत्कालीन जोनल प्रशासक। अब अगर ये बात करें कि आखिर पूरा मामला ये है क्या, तो 14 औद्योगिक प्लांट से जुड़ा ये मामला है। 30.34 करोड़ रुपए की कीमत के प्लांट्स थे। 2013 में गलत तरीके से आवंटित करने का आरोप, पूर्व सीएम हुड्डा के करीबियों को आवंटित करने का आरोप। 2015 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। 2016 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने 120 बी, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला प्लांट सावंटन के लिए कम रखा गया था सर्कल रेट, निर्धारित मूल्यों को सर्कल रेट से 4-5 गुना और बाजार से 7-8 गुना कम रखा गया। आवेदन की लास्ट डेट के 18 दिन बाद आवंटन का पैमाना बदल दिया गया, क्योंकि आवेदकों को आवंटन से इनकार कर चेतों को प्लांट आवंटित किए गए। ईडी ने अगस्त 2009 में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के मुताबिक 14 औद्योगिक प्लांटों को संलग्न किया और फरवरी 2020 में पीएमएलए एडजुडिकेटिंग प्राधिकरण की तरफ से कुर्की की पुष्टि की गई, और अब मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती है। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। एक तरफ सियासी गतिविधियां हैं तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से की जाने वाली महापंचायतें। सांपला में भी महापंचायत का आयोजन हुआ, वहां पर राकेश टिकैत भी पहुंचे और राकेश टिकैत का लहजा वैसा ही था जैसा पिछली
महापंचायतों के दौरान देखने को मिला था और उन्होंने सरकार को फिर से चेतावनी भी दी है और ये भी कहा है कि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा और इसके लिए किसान पूरी तरीके से तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली के पास शायद ही कोई बॉर्डर अब बचा हो जहां आंदोलनकारी किसानों के कदमों के निशान न हो, और यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से इतर अब देश के अलग अलग कोनों तक पहुंच चुका है। किसानों की तरफ से अलग अलग जगह महापंचायतें की जा रही हैं। हरियाणा के सापला में भी सर छोटूराम की जयंती पर महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई नेता मौजूद रहे। महापंचायत में किसानों की तरफ से हुंकार भरी गई कि अब यह आंदोलन पश्चिम बंगाल भी जाएगा और वहां भी पंचायतों का आयोजन होगा। वहीं आंदोलन जीवी वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और अगर माफी मांगनी है तो सरकार को मांगनी चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने एक बार फिर तीनों कृषि कानून वापसी की मांग की। अभी मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद में फसल कटाई शुरू हो जाएगी, उंगा कटती रहेगी, इंगे हमारा करीब करीब अप्रैल में शुरू होगी, 15 अप्रैल के बाद में, तो इतना उंगे की कट जाएगी, उंगे के लोग यहाँ पाना शुरू हो जाएंगे, इंगे के अपने काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोटे नहीं। क्या लगता है आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? हाँ लंबा चलेगा, चलाओ जाओ जितना लंबा सरकार को। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है, ऐसे में तीनों कृषि कानून वापसी की मांग किसानों ने अब पश्चिम बंगाल का रुख करने का ऐलान किया है ताकि सरकार पर दबाव बनाकर कृषि कानूनों को वापस कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। किसानों के मसले पर बयान लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, मंत्री हो या फिर कोई भी ओहदा रखते हो, किसानों के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं। इसी मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिस स्टेटमेंट को वापस भी लिया गया, उस पर माफी भी मांग ली गई, लेकिन ये बयान निकला तो दूर तलक लगातार जा रहा है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वीरेंद्र सिंह का एक स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये कह दिया कि इस तरीके से जो बयान देते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं किसान आंदोलन को लेकर, उनकी सोच बहुत छोटी है। जरा देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। ये थे लोग जो शहीद हुए हैं, वो किसी एक पर्पज के लिए, एक उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई ये कहे कि जी कोई तो बीमार होकर मर गया, किसी का हार्ट अटैक, ये उन लोगों की सोच हो सकती है जिनकी छोटी सोच है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये अंदाज पुराना है और ये इशारा किस तरफ है, शायद पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह इस बयान से जिसे समझाना चाहते थे वो समझ गया कि आखिर किसानों की मौत पर सोच समझ कर बोलना चाहिए। 44 साल में सिर्फ 1500 ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे थे, अमेरिका की सरकार ने अपना कानून बदलना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा लो, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों कानून, मैं तो, मेरा तो ये सुझाव है बल्कि तीनों कानून सरकार को किसानों को दे देने चाहिए। अगर भाई ये हमने बनाए हैं और इनमें आप अपने बना के दे दो, फिर बैठ के बात करते हैं, हो गया मामला हल, बड़ा आसान है, लेकिन कोई मेरी माने तो। ये सलाह सुनी, ये सलाह किसानों को नहीं बल्कि अपनी सरकार को है कि सोच समझ कर कदम उठाए जाएं, वरना अंजाम शायद ठीक ना हो। नरवाना में दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार पर सवाल या निशान जरूर खड़े किए और इशारों इशारों में ये भी बोल दिया कि किसानों का आंदोलन ठीक है। तो ये एक समाज का आंदोलन बनके हो रहा है। इसके साथ साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी अपने अंदाज में एक नसीहत दे डाली कि किसानों की मौत पर जरा सोच समझ कर बयानबाजी की जाए। ये थे लोग जो शहीद हुए हैं, वो किसी एक पर्पज के लिए, एक उद्देश्य के लिए
उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई ये कहे कि जी कोई तो बीमार होके मर गया, किसी का हार्ट अटैक, ये उन लोगों की सोच हो सकती है जिनकी छोटी सोच है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। शायद ही दिल्ली का कोई बॉर्डर हो जिस पर किसानों के पैरों के निशान ना हो, और अब सरकार के अंदर ही किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगी है। अब सरकार इन आवाजों पर क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखना बाकी है। जनता टीवी के लिए नरवाना से रामनिवास गर्ग की रिपोर्ट। किसान आंदोलन और बयानों के साथ साथ प्रदेश में एक और राजनीतिक मसला है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो मसला है SIT की रिपोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी भी गृह सचिव इस पूरी रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने के बाद जो सार होगा इस रिपोर्ट का वो गृहमंत्री को सौंपेंगे, गृहमंत्री को बताएंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वो गृहमंत्री तक पहुँची नहीं है, लेकिन इसको लेकर बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और विपक्ष में कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इस बार रणदीप सुरजेवाला ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है SIT को लेकर, SIT की रिपोर्ट को लेकर। सुनिए। आखिर कौन है ये शराब माफिया के लोग, और किस सफेद पोश से इनके तार जुड़े हैं? कौन है जो 50 हत्याओं का दोषी है? दरअसल ये सवाल सरकार पर दागे हैं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। दरअसल हरियाणा में शराब घोटाले और जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सरकार पर ही शराब माफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप लगाए। जहरीली शराब माफिया का नंगा तांडव चल रहा है। खट्टर सरकार में सीधे जहरीली शराब के माफिया के तार जुड़े होने के इल्जाम सामने आ रहे हैं। सारा हरियाणा और देश ने देखा कि हरियाणा के गठन के बाद पहली बार शायद जहरीली शराब का इतना बड़ा नंगा नाच सोनीपत जिले में हुआ। एक के बाद एक लाशें बिछती गई। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, किसान भाइयों के परिवार की कमाई करने वाले एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। जहरीला जहर पीकर मौत हुई, परंतु कोई आज तक दोषी नहीं पाया गया। लगभग एक साल बीतने को है। हरियाणा के 50 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक साल पहले जहरीली शराब ने सोनीपत और उसके आसपास के इलाकों में मौत बांटी, लेकिन जांच के लिए बनी SIT को सबूत जुटाने से रोका जा रहा है। आखिर उन्हें जांच से कौन रोक रहा है? इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना होगा। और जब इस जहरीली शराब माफिया की जांच बिठाई गई, SIT बनाई गई, तो दो दिन से सनसनीखेज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। कल तो ये खबर आई कि जहरीली शराब माफिया के लोगों का सीधा हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में आना जाना था। जहरीली शराब बनाने वाले CMO में किसके पास आते जाते थे, अगर ये बात सही है? और आज ये खबर आई कि वो SIT जो जांच कर रही थी शराब माफिया की, और एक्साइज टैक्सेशन विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, ये मत भूलें। तो उस SIT को जांच करने से, सूचना एकत्रित करने से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रोक दिया। रणदीप सुरजेवाला के सवाल सरकार पर सीधा हमला है, और इन हमलों का जवाब शायद शराब कांड में गठित SIT अच्छे से जानती हो, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सौंपी गई थी, और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिपोर्ट को तलब किया था। अब इस रिपोर्ट के बस सार्वजनिक होने का हम सबको इंतजार है। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। जी, इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में एक महंगाई का मसला लगातार है, और लगातार जो बढ़ती महंगाई है इस पर कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कुमारी सैलजा का स्टेटमेंट सामने आया है।
वो सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है, लेकिन दूसरा एक और मसला है, विद्या रानी जो कि कांग्रेस की टिकट पर दो बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं, दोनों बार उनको हार नसीब हुई थी, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन में शराब बांटने या शराब का दान मांगने की बात उनकी तरफ से की गई थी, इस पर कुमारी सैलजा ने स्टेटमेंट दिया कि ये उनकी निजी राय है, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। महंगाई जो अब जनता के साथ साथ सरकार का भी बजट बिगाड़ रही है, जनता परेशान है और विपक्ष हमलावर। गैस सिलेंडर महंगा है और पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है, जिसको लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी सरकार पर खूब खरी खोटी सुनाई। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, अब देखते हैं कि ये भी जो रास्ते से रोज बढ़ता चला जाता है, देश के सामने नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। कुमारी सैलजा का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गैस के दामों में इजाफा आम आदमी की जेब पर डांके से कम नहीं है। सरकार जिस उज्ज्वला योजना की ढींगे हांका करती थी, अब बताए कि उस योजना से कितने लोगों का भविष्य उज्ज्वल हुआ है। दिया गया था उज्ज्वला, इससे आपको नजर आ रहा है कि कितना उज्ज्वल लोगों की जिंदगी हो रही है, महिलाओं की कितनी उज्ज्वल जिंदगी ये कर रहे हैं। इस बीच जब कुमारी सैलजा से कांग्रेस नेता विद्या रानी के बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये बयान उनका निजी बयान है और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कह दिया किसी की जुबान पे, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने, वो जवाब अपना दे देंगे, कोई पार्टी का थोड़ा ही है। खैर, महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गैस के दाम भी आसमान पर हैं। ऐसे में विपक्ष का सरकार पर हमलावर होना लाजमी बात है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमरजीत की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में टूल किट एक ऐसा शब्द इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और हर तबके तक, हर वर्ग तक ये शब्द पहुंच चुका है। लोग इसके मायने भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टूल किट के जरिए गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जी हाँ, ट्विटर हैंडल के जरिए ये टूल किट किस तरीके से पब्लिश किया गया, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया, किस तरीके से टूल किट को एडिट किया गया, क्या पूरा मामला है, और मामले में जब गिरफ्तारियां हुई तो गिरफ्तारियों पर सवाल उठने लगा, और इन सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सामने आ रही है और ये कह रही है कि जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो तथ्यों के आधार पर हैं, जो जांच में बातें सामने आई हैं, सबूत सामने आए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियों के पीछे कोई साजिश नहीं है। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट सुनिए। किस प्रकार से 26 तारीख को, 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो पुलिस की, दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। जहाँ तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है, और हमने सारी चीज़ को देख लिया, उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। टूल किट के मसले पर हरियाणा के गृह मंत्री भी मुखर हैं, उन्होंने भी अपनी राय इसमें दी है और राय पेश करते हुए उन्होंने तमाम बातें भी कही, और ऐसा भी कहा उन्होंने कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ में देश विरोधी चीजें शामिल हैं उनका सर्वनाश होना चाहिए, संपूर्ण नाश होना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट लगातार उनके तरफ से सामने आ चुके हैं। टूलकिट केस में पुलिस एक के बाद एक खुलासे कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दिशा रवि पर तंज कसा। अनिल विज ने अंबाला में कहा कि जो देश के खिलाफ विरोधियों को जमा करते हैं, जो विदेशियों से सांठगांठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खोद खोद कर निकालना चाहिए। नहीं, खोद खोद के निकालने चाहिए ऐसे सारे लोग जो देश
के खिलाफ विरोधियों को इकट्ठा कर रहे हैं और विदेशियों के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। अनिल विज की दिशा रवि पर किए ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, इन्हें हिंदी समझ नहीं आती। मैंने उस सोच को जो देश विरोधी है उसका नाश करने के लिए कहा था। ये इंग्लिश स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आती है। मैंने उस सोच को जो देश विरोधी सोच है उसका नाश करने के लिए कहा है। अनिल विज ने टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के मसले पर ट्वीट कर कहा था कि देश द्रोह का बीज जिसके भी दिमाग में है उसका समूल नाश किया जाना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। इस ट्वीट के बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। ट्विटर पर भी अनिल विज के ट्वीट को लेकर शिकायत की गई थी। हालांकि ट्विटर ने विज के ट्वीट को क्लियरेंस दे दी, जिसके बाद अब अनिल विज विपक्षियों पर हमलावर हैं। जनता टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।